शुक्रवार की रात सरगंडा थाना क्षेत्र के सूर्या चौक पर मजदूरी का काम करने वाले राजेंद्र चौहान की हत्या कर दी गई। सरगंडा पुलिस ने मामले में तत्काल अपनी तफ्तीश शुरू की और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बार की जीविका चलाने वाले चाटीडी निवासी राजेंद्र चौहान की सरेरा हत्या कर दी गई। शनिवार की सुबह सूर्या चौक मंदिर की मुख्य सड़क पर खून से लथपथ लाश देखकर इस इलाके में दहशत फैल गई। शव की पहचान होने में देर नहीं लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने सरगंडा पुलिस को जानकारी दी, जिस पर तत्काल पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। सुबह लाश मिली थी और लाश की स्थिति देख के लग रहा था कि ये दुर्घटनावश या किसी के मारने से मरा होगा। उसकी जांच की जा रही है, डेड बॉडी पंचनामा करवा के पीएम के लिए भेजी गई है और उसमें जांच कार्रवाई अभी की जा रही है। ऐसा संदेह किया जाता है कि जरूर किसी के मारे से मरा होगा, होमिसाइडल प्रकृति का, डॉक्टर एफएसएल के द्वारा भी यही बताया गया है। राजेंद्र चौहान प्रभात चौक में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। पेशे से रोजी मजदूरी करने वाले राजेंद्र की हत्या सर पर घातक वार करने की वजह से होना बताया जा रहा है। सरगंडा पुलिस ने घटना के आधार पर 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर पूछताछ भी शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन भुवनेश्वर बंजारे और पंकज मसी के साथ आकाश दत्त मिश्रा की